स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण अध्याय 3 का पाठ करेंगे। पाठ का नाम, अध्याय का नाम है शब्द। ठीक है, अब देखते हैं शब्द क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एक, ये लिखा है पर्वत। अब पर्वत के कई को टुकड़ों में बांटा गया है, पहलंत, अ धनरा हलंत, धनवा, धन अ, धनता हलंत, धन अ, इसको मिलाकर, इन वर्णों को मिलाकर। पिछली अध्याय में हमने पढ़ा वर्णों के मिल, वर्णों के जो ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जिन ध्वनियों को टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ये वर्ण हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इन वर्णों के मेल से जब हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ क्या बना है, पर्वत बना है। ठीक है, तो कह रहा है शब्द की परिभाषा क्या हो गई, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, अब कहेंगे हम ये सार्थक मेल क्या होता है। कहने का मतलब है कि जब हम इसको हम अगर उल्टा पुल्टा लिख दें, अगर ऐसे ऐसे लिख दें तो कोई शब्द बना है, इसका कोई अर्थ है नहीं, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको जब हम सही तरीके से लिखेंगे तब इसका अर्थ हमें मिलता है ना। तो यही है सार्थक मेल से, अगर हम किसी वर्णों को सार्थक मेल बनाएंगे तो ये शब्द बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ण शब्दों के भेद में। तो शब्द के भेद देखिए लिखा है क्या, अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, नंबर एक सार्थक, दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला क्या है, सार्थक शब्द है, दूसरा है निरर्थक शब्द। ये हमने बताया ना, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी के आधार पे देखिए यहाँ पर शब्द के भेद बताए गए हैं। अब हम आते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। हमने बताया बेटा जैसे यहाँ कि अगर हम इस इन वर्णों को अगर उल्टा पुल्टा यहाँ का वहाँ लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ है, वही वर्ण, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है ना। इसी तरह हमने जब उसको सही मायने में इसको इस तरह से बनाया है कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले वही क्या हैं, सार्थक शब्द हैं। ठीक है, जैसे एक घर है, घर का ये वर्ण, दो वर्ण है यहाँ पर घर, इसको सार्थक मेल बना है तब ये घर बना है। अगर हम इसको उल्टा लिख दें र और घ, तो ये रग, ये सार्थक मेल नहीं हुआ ना, रग का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि निकल रहा है, आप बताइए, रग का हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये एक गलत है। इसका सार्थक मेल से शब्द बना है, इस घर का शब्द का अर्थ निकलता है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। ठीक है, अब हम आते हैं निरर्थक शब्द में। तो निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे ये देखिए, राकप है, लाबता है, सोटी है, वाणी है, ये सब कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। भाषा और व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, केवल बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलचाल में देखिए, हम कहते हैं अगर पानी, पानी कहते हैं पानी वानी ले आओ, ये पानी के साथ जो वानी कहते हैं ये निरर्थक शब्द है। अगर दवा खाना है तो लोग कहेंगे दवा ववा ले आओ, तो दवा के साथ जो ववा शब्द का यूज़ करते हैं इसे बोलने में यूज़ करते हैं, वही बता रहा है कि केवल बोलचाल में इसे इस्तेमाल करते हैं और अन्यथा इनका प्रयोग नहीं होता है। थैंक यू, नेक्स्ट अगले वीडियो।